कोरोना प्रतिबंधासाठी दक्षता आणि स्वयंशिस्त अत्यंत महत्त्वाची आहे हे लक्षात घेऊन मेळघाटात व्यापक लोकशिक्षण व जनजागृतीसाठी धारणी येथील एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्पातर्फे कोरोना हारतीवा मेळघाट जिटववा म्हणजे कोरोना हरेल मेळघाट जिंकेल ही व्हिडिओ पटांची मालिका सुरू करण्यात आली असून विविध माध्यमातून ती नागरिकांपर्यंत पोहोचविण्यात येत आहे अशी माहिती प्रकल्प अधिकारी तथा सहायक जिल्हाधिकारी मिताली सेठी यांनी दिली मालिकेतील व्हिडिओद्वारे साथीचे संक्रमण आजाराची माहिती लक्षणे घ्यावयाची काळजी आवश्यक उपचार याबाबत डॉक्टर दयाराम जावरकर हे मेळघाटचे सुपुत्र व MBBS MD तज्ज्ञ अस्सल कोरको भाषेत प्रेक्षकांशी संवाद साधतात ममता सोनकर यांनी या मुलाखती घेतल्या आहेत YouTube, Facebook, WhatsApp आदि सोशल मीडियाद्वारे ही व्हिडिओ पटांची मालिका नियमित प्रसारित करण्यात येत असून त्याला नागरिकांचा मोठा प्रतिसाद मिळत आहे अनेक प्रकारची महत्त्वाची माहिती स्थानिक नागरिकांना बरेचदा मराठी किंवा हिंदी माध्यमातून मिळते कोरोना व्यापार वोट जेन पॉझिटिव्ह मिया तासो दी डॉक्टर ठहरा देवा की तुनी पेशंट के दवाखाना डोडोना तुनी पेशंट के उर्गन डोडोना मुद्दा इनी कि कोरोना बीमारी जल्दी शरीर के खोखला रजबा जल्दी शरीर ने असर डौबा और सीरियस डौबा यदि पेशेंट ने ज़्यादा तकलीफ टा का दिए सांस सागन तकलीफ डो लगेन खून ज़्यादा लगेन रोआ ज़्यादा प्रमाण न लगेन गला और प्रमाण लगेन तो देखिए दवाखाना भरते बाहर जल्दी ट्रीटमेंट चल रहे बा तुनी जंका सिर्फ मंडे का सर्दी खांसी का हल्का रोआ लगेन देखिए उर्गें का कुलज बा उर्गें का 14 दिन डोज बार दिखा बार बार दिया तबियत बरन दवाखाना कोरको जो भी ऐसे आशा इनको कुमरा है वा और दिखा दिन हिसाब टाइम दिए जरूरत बचो तो उसमें तुनिक भी टाइम दवाखाना भर्ती हुआ अब इन भर्ती भी दिखे और ये ट्रीटमेंट चलो हुआ उर्गें वाले ने बाद में ये ट्रीटमेंट चालू को थाड़ बार दिखे दवाई गुल जेवा सब कुछ महती जेवा दिन हिसाब से संदर्भ दास हो दवाखाना से जरूरत कब बने सर 14 दिन कोरोना को पेशेंट सजा हुआ की चूज 14 दिन इन्हीं गल मिलना कहें कि 14 दिन जो शरीर कोरोना पेटाने बाद होन शरीर जो दूसरे कोरो के इन्फेक्शन डटागा डी प्रमाण ज़्यादा थड़वा 14 दिन टाइन डी गल जा 14 दिन कतरे से जो भी कोरो है कोरोना में डी चोख हुआ का लेकिन देने बाद भी अब ये डी मास्क वापटिन जरूरी का धन्यवाद सर आलेख है दुआले से भाई कुख है तो अच्छा कोरोना बारे माहिती जो बदल बहुत बहुत धन्यवाद आमन धन्यवाद मात्र भाषेमुळे तांत्रिक किंवा महत्त्वाची माहिती स्थानिक बांधवांना जाणून घेणे कठीण जाते हे लक्षात घेऊन हा उपक्रम कोरको भाषेत सुरू करण्यात आला आहे यात माहिती देणारी डॉक्टर मंडळी ही स्थानिकच असल्याने अत्यंत सुलभ भाषेत ते व्हिडिओद्वारे नागरिकांशी संवाद साधतात कोरको भाषेतून यापूर्वीही विविध संदेश प्रसारित केले आहेत त्याचबरोबर आरोग्य शिक्षण देणारी ही मालिका नियमितपणे प्रसारित करण्यात येईल असे प्रकल्प अधिकारी तथा सहायक जिल्हाधिकारी मिताली सेठी यांनी सांगितले मान लीजिए की आज आपका कोरोना टेस्ट पॉझिटिव्ह आ गया मतलब आपने बहुत प्रिकॉशन्स ली आपने मास्क भी डाला आपने हाथ भी धोए और आपने डिस्टेंसिंग भी रखी लेकिन किसी कारण की वजह से आपका टेस्टिंग पॉजिटिव आ गया अब इसमें शर्म आने की कोई बात नहीं है झिझक करने की कोई भी बात नहीं है आज के समय में हर तीसरे इंसान को कोरोना हो रहा है तो मेरे ऑफिस में आपके तहसीलदार को आपके वीडियो को मेरे ऑफिस में कितने तलाटियों को मेरे ऑफिस में कितने क्लर्क को प्रकल्प कार्यालय में कितने लोगों को कोविड हो कर गया है कोरोना हो कर गया है तो इसमें शर्म की कोई भी बात नहीं है कि अरे हमको कोरोना हो गया मेरे घर पे मेरे आई बाबा इन सबको कोरोना होकर वो लोग तंदुरुस्त होकर अभी वापस आके ऑफिस में सब काम भी कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है सब लोग तंदुरुस्त कैसे हुए क्योंकि जब उनका टेस्ट पॉजिटिव आया उसी समय पे उन्होंने जल्दी से दवाई खानी शुरू की और अपना ध्यान रखा अपने आसपास वालों का टेस्टिंग किया और वो खुद भी तंदुरुस्त रहे और ऐसा भी नहीं हुआ कि उनके घर पे किसी और को भी कुछ हुआ तो बहुत ही आसान सी चीज़ है देखिए जिस जो चीज़ आपकी सिंपल सी दवाई लेकर ठीक हो सकती है उसके लिए आपके आपको या आपके घर वालों का चले जाना या किसी का निधन हो जाना इस चीज़ से आपको जितना दुख पहुंचता है उतना ही हम लोगों को प्रशासन की तरफ से भी दुख पहुंचता है कि इतनी छोटी चीज़ जिसके लिए हम दवाई दे सकते थे या फिर जिसको हम मैनेज कर सकते थे उसके लिए हमने किसी की जान गंवा दी क्योंकि हमें जिस समय पर चीज़ें करनी चाहिए थी उस समय पर हमने चीज़ें नहीं की तो समय का महत्व समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब आपको आज के समय में बुखार आता है या आपको सर्दी खोखला होता है तो इमीडिएटली अगले दिन जाकर आपका टेस्टिंग 2 सेकंड का है 2 सेकंड में आपको समझ में आ जाएगा कि आपका टेस्ट पॉजिटिव है अगर आपका टेस्ट पॉजिटिव
तो आपको कहीं भेजा नहीं जाएगा। अगर आपको कोई सिम्टम्स नहीं है, आपका गृह विलगीकरण किया जाएगा। आपको सिर्फ 14 दिन अपने घर पर रहना है और उसके अलावा आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके सिम्टम्स खराब होते हैं या आपका SPO2 या ऑक्सीजन हमें कम लगता है, तो सिर्फ उस 1 या 2% केसेस में आपकी तबीयत बेहतर करने के लिए आपको कोविड केयर सेंटर में या फिर उप जिला अस्पताल, जहाँ पर हमने 30 बेड्स की व्यवस्था शुरू की है, उप जिला अस्पताल में पिछले हफ्ते हमने कोविड हॉस्पिटल तैयार किया है, जहाँ पर हर तरह की फैसिलिटी अवेलेबल है। आप आकर डॉक्टर्स को दिखा सकते हैं और ठीक होकर जा सकते हैं।